जय श्रीमन्नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 12। ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्मा न सत्तन्नासत् उच्यते। ओम। गीताचार्य श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन अब तक हम आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करे के साधन के रूप में 20 गुणों के उल्लेख किए। अब हम तो का उस आत्मा के बारे में बताओ। जब आत्मा के शरीर से कोनो संबंध नहीं है तो वो कहाँ है और उसके स्वरूप कहाँ है? अर्जुन, यदि तू इस आत्मा के बारे में जाना तो बार बार इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सका था। अर्जुन, आत्मा के कोनो आदि नहीं है, कोनो शुरुआत नहीं है, आत्मा के जन्म नहीं होत। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा हमारे नियंत्रण में है, अर्थात हम आत्मा के सर्वोच्च भगवान है। आत्मा ज्ञान के स्वरूप है, इस प्रकार आत्मा ज्ञान से व्याप्त है। जिस प्रकार दीपक अपने प्रकाश से सर्वव्यापी है, उसी प्रकार आत्मा अपने ज्ञान से सर्वव्यापी है। लेकिन सृष्टि के बाद आत्मा अलग अलग शरीर धारण करत है और अलग अलग नामों से पुकारी जात है, इसलिए एका सत या अस्तित्व भी कहा जा सकत है। इसके अलावा कहे कि शरीर और नाम आदि प्रलय के समय अस्तित्व में न रही हैं, इसलिए आत्माओं का असत या अस्तित्वहीन कहा जा सकत है। लेकिन जब शरीर से कोनो संबंध नहीं होत तब भी आत्मा सदैव रहत है। अतः एक प्रकार से आत्मा का सत और असत कहा जा सकत है और दूसरे प्रकार से आत्मा का सत और असत नहीं भी कहा जा सकत। इस तरह श्री कृष्ण परमात्मा हमका आत्मा के बारे में यानी हमरे अपने बारे में हमरे महिमा के बारे में बताता है। साथ ही श्री कृष्ण परमात्मा उद्घोषित करता है कि वे सभी आत्माओं के भगवान हैं। इसलिए आओ हमें विश्वास करें कि श्री कृष्ण परमात्मा हमरे सर्वोच्च भगवान हैं। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन का सार्थक बनावे के प्रयास करते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में यथावत दोहरावे के प्रयास करी। ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय असफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एका अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन्नारायण।
हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमार दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमार तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमार चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आपके शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे मां शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेश अनुसार हम शोक न करब। हमार सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है, हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है, जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानते हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पचावे के प्रयत्न करब। अब ही हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्य वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म न सत् तन्नासत् उच्यते। ओम। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम पीडीएफ तुरंत मिल जाए। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।